आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी किसी काम के लिए, तो रास्ते में मिल गई मुझे दीदी। तो ये देखो दीदी क्या कर रही है, के लिए काट रही है झाड़ी। प्याज बोया हम लोगों ने, तो ऊपर से रखेंगे ताकि वो ढक रखा ना, तो वो उड़ ना जाए हवा से, इसलिए इससे ढकेंगे हम ऊपर से। ये इतना बड़ा डंडा है इसे? हाँ। नहीं तो हाथ यहाँ गोबर के हो रखे हैं। हाँ। लेकिन ये अभी ये मुँह नहीं दिखाएंगे। तो इसको कैसे ढकोगे? अच्छा अच्छा, देखो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे ढकते हैं। ये देखो इन लोगों ने लगा दिए प्याज के, क्या है ये? अच्छा, ये हमने नहीं बोए अभी। ऐसे रखेंगे हम, ऊपर से ऐसे रखेंगे, फिर कैसे उड़ पाएगा ये? यार ये तो मैंने अच्छे से ढका ही नहीं, ये तो उड़ ही जाएंगे। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो ये देखो आपने सामान खोला। यस, उसने क्योंकि उसने बोला ना कि सामने पहले चेक करवाना है, तो ये देखिए यार अनबॉक्सिंग मेरे को कर रही थी। हाय गाइस, तो ये सामान मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑनलाइन मंगाया था और आज ये आ चुका है। अभी कुछ दो तीन दिन पहले ही मंगाया था, तो इसमें शायद से बुक होंगी। और भी सामान मैंने मंगाया था, तो या तो ये बुक्स का होगा या फिर इसमें प्रोसेसर होगा। मैंने मॉनिटर के लिए भी सामान मंगाया था, मॉनिटर तो ये आ चुका है हमारा। और जो बाकी का पीसी बिल्ड के लिए वो मंगाया था, इसके लिए पीसी बिल्ड की भी विंडो आएगी अभी कुछ दिनों में जब सारा सामान आ जाएगा। इसमें शायद से बुक होंगी। और ये बुक्स मैंने दादी से मंगाई थी। दादी हाय कर दो। हाँ। तो आप करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। और सो गाइस, आप करते हैं अनबॉक्स। सो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, एनीमे फैंस को पता होगा ये क्या चीज है, और आपको तो समझ आ ही रहा होगा। बस यही रह गया मंगा, बजर की मांगा। बजर तो आपको पता ही होगा किस टाइप की एनीमे, खतरनाक। गाइस जो भी एनीमे देखते होंगे उनको तो पता ही है ये कौन सा एनीमे है। सो गाइस, दिस इज ज़ेब्रोनिक 27 इंच 75 हर्ट्ज 5 ms मॉनिटर। ये आपको मॉनिटर नॉर्मली आपको 15,000 के रेंज में मिलेगा। मैंने तो उसको ऑफर में दिया था, दैट्स व्हाई आई गॉट 9,000 rupees। अभी करेंगे इसके अनबॉक्सिंग। चलो गाइस, ये है इसका स्टैंड, और ये फुल्ली मेटलिक स्टैंड है और ये हैवी स्टैंड है, तो बिल्ड बहुत अच्छी रहेगी माउंटर की अगर स्टैंड में खड़ा ही कर गया। ये है इसका पावर अडैप्टर, तो ये वाला तो लगेगा पीसी के लिए, पीसी मॉनिटर में, और ये इसको पावर देगा, तो ये रखते हैं। सो गाइस, ये तो आपको पता ही होगा ये है एक वीजीए केबल, एंड दिस इज डुअल यूएसबी केबल, नॉट यूएसबी फॉर माइक एंड समथिंग। सो नाउ लेट्स ओपन द पीसी, व्हाट यू गॉट? ओह, इट्स द बैक ऑफ द दिस गाइस। ये है वो 27 इंच का ज़ेब्रोनिक्स का मॉनिटर, तो आप इसके बेजल्स देख सकते हैं कितने पतले बेजल्स हैं इसके। मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूँ ये बैक से कैसा है। तो यहाँ पे तो इसका स्ट्रैंड लगेगा जो कि वहाँ पे रखा हुआ है, और जो ये चीज़ है इससे इसको हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, और ये पीछे से छुप जाएगा क्योंकि इतना गैप में तो स्टैंड लगेगा। और पीछे इसका डीसी पोर्ट जिससे इसके पे पावर आएगी, एक ऑडियो पोर्ट, एक वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट ये है एक जो मिला था इसी के साथ, और एक HDMI पोर्ट। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमको लेने हैं स्कूल की विंटर यूनिफॉर्म। और मेरे पे एक पैंट पड़ी है सर्दियों की, पर उसकी कमर बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि मम्मी को लगा कि सालों साल चलेगी, इसलिए मम्मी से 40 नंबर की पैंट ले आई, और मेरी कमर पे आती 30 नंबर। देखो ये मम्मी को है 40 नंबर, आप 40 नंबर लाए क्यों? ये पहले मोटा था गाइस, मेरे कमर पे आती है 30 नंबर। नहीं फ्रेंड्स, इसका वेट हो रखा था 75, अब जाके इसका वेट 70 हो रखा है। मेरे कमर पे आती है वो 30 नंबर, और मम्मी ला रखी 40 नंबर। मम्मी ने कहा जब हम वहाँ पे वो ले रहे थे, मम्मी ने कहा कि ये पूरे तेरे 12वीं तक चलेगी, इसलिए तू इसी को पहन के चलेगा। और मेरे को भी पता है मैंने 8th कैसे निकाली उस पैंट में। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि पीहू और उनको चाहिए उनकी विंटर की पैंट है। पीहू की पैंट छोटी हो गई
और अंशु के लिए भी न्यू पैंट चाहिए करके की, तो हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट और हमने वहाँ से और भी सामान लेना है हमने, तो शायद पीहू की भी थोड़ा बहुत शॉपिंग होगी, तो वो कह रही मेरे लिए हुडी चाहिए, क्या क्या चाहिए करके की। फ्रेंड्स हम चारों जा रहे हैं, एक स्कूटी में जाएंगे मैं और पीहू, और एक में जाएंगे अंशु और सासू जी। ठीक है दादी की बोल, तो चल कौन सा मेरी स्कूटी भी दरकार दे। तो फ्रेंड्स हम सब लोग पहुंच चुके हैं अभी वीमार में, मेरे साथ दीदी और मंजू भी आ रखे हैं, तो हम सब लोग पहुंच चुके हैं अभी वीमार में। यहाँ से देखते हैं, हम कर रहे हैं पीहू की शॉपिंग, देखते हैं पीहू के लिए यहाँ पे, ये देखिए आप गाइस। अभी पहुंच चुके हैं हम वी मार्ट में, यहाँ पे देखिए ये पीहू अभी अपने कपड़े चेक कर रही है, पीहू को कोई पसंद नहीं आ रहा। पीहू देख ले कौन से कपड़े चाहिए तेरे को, अच्छे नहीं लग रहे, पीहू को पसंद ही नहीं आ रहा। गाइस हम तो पीहू के लिए कपड़े लेने आए थे, एक दादी के लिए भी ये स्वेटर अच्छा लगा है, तो हमने दादी पे पहन के भी ट्राई किया था, ये दादी ये मेरी चॉइस थी, दादी पे तो ये बहुत ही मस्त लग रहा था, तो पीहू ने ये वाला चूज किया। अभी पीहू दिखा दे जरा उसको खोल के, ये जो पीहू अपना वो जीन्स देख रही थी, कार्गो पैंट कहते जिसको, तो वो उसको मिला ही नहीं कहीं, और उसको कहीं यहाँ नहीं मिली, तो वो कहीं और ही देखेगी। अब हम आ चुके हैं स्कूल के कपड़े लेने वाली दुकान को, इस दुकान का नाम है विजय एंड सन्स। अभी हम कपड़े ले रहे हैं, तो हमको मिला अभी, हमें दुकान पर आया तो वहीं पे चेक कर रही है। गाइस अभी हम आए थे दुकान में सामान लेने के लिए, और जो ये आप सामान देख रहे हो ये सामान ना अंकल और के हिसाब से ये सामान पड़ा रहा था हमको 2,200 रुपये का, और मम्मी ने कम बोल बोल के यही सामान 1,650 में लाया, बार्गेनिंग, तो इतनी खतरनाक बार्गेनिंग करते है ना मम्मी भाई साहब। तो फ्रेंड्स आ चुकी हम लोगों की लस्सी और पीयू का स्प्रिंग रोल, अभी अंशु का नहीं आया। तो फ्रेंड्स आ चुका है हमारा पिज्जा, और क्या बचा हुआ, अब बचा है, अब बचा हुआ चिकन बर्गर। तो गाइस वहाँ पे खाना खाने के बाद अभी हमको भूख लग गई थी, तो अभी हम आइसक्रीम, और पीहू की आइसक्रीम भी आ रही है टोकन लेके। अब हम आ गए हैं शॉपिंग करके वापस घर, तो हम शॉपिंग करके जितना भी सामान लाए वो सब सामान हम दिखाते हैं, मैंने सामान दिखा दो सारा सामान मम्मी को। तो फ्रेंड्स हम लेके आए हैं सबसे पहले उनके लिए स्कूल की पैंट है, दोनों के लिए विंटर यूनिफॉर्म की, मैंने आपको बताया था ना मम्मी से 40 नंबर का पैंट लाई थी, 30 नंबर का पैंट लाया था। तो दोस्तों ये दो जोड़ी सॉक्स लेके आए हम, और साथ में हम लाए ये दादी के लिए स्वेटर, ये है सामुदी के लिए, मैंने पसंद कर ली थी, मेरे पसंद बहुत अच्छी अच्छा लग रहा है। और पीहू पीहू के लिए लाए ये हुडी, ये हुड ये पीहू ने करा पसंद ना, पीहू तो किसने करा, ये तो तू नहीं करा, ये पीहू को अच्छा लग रहा था, तो पीहू के लिए हुड लेके आए हम। और फिर हम लाए पीहू के लिए ये स्वेटर, पीहू के एक स्वेटर ये लाए, एक पूरी मैंने कहा इसके बाद पीयू तेरे लिए पूरी पूरी एक लाए ये, लेकिन पीयू को चाहिए थे ओवरसाइज, लेकिन ये कोई बात नहीं, ये मैं पहन लूंगी, मैं पहनूंगी मेरे लिए जाएगा। फिर जा रखे थे जिस चीज के लिए पीयू का था कि मुझे चाहिए कार्गो पैंट, कार्गो जींस, लेकिन फ्रेंड्स ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी भैया, लेकिन ये अंशु के लिए, तो वैसे अंशु के लिए लेना नहीं था क्योंकि अंशु के लिए ऑलरेडी बहुत ले रखे हैं, ये पीयू की जिसके लिए पीयू बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे चाहिए कार्गो पैंट, तो ये देखिए ये पीयू की ये वाली पैंट, और क्या लेके आएंगे।
सो गाइस आपको फ्रेम में दादा भी दिख रहे होंगे, हम पिछले व्लॉग्स में दादा को इंट्रोडक्शन करना भूल गए क्योंकि दादा खेत में ही रहते थे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाता दादा को इंट्रोड्यूस करने का, तो ये मेरे दादा है। सो गाइस मार्केट से आके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अब हम सीधा सोएंगे। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।